नमस्कार कृपा वश में भगवान श्री कृष्ण की बातें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान कृष्ण की सुंदर कहानियाँ। इन कहानियों में आपको भगवान कृष्ण की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के दर्शन होंगे। इन कृष्ण कहानियों में कुछ कहानियाँ काफी रोचक हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान के पास हमेशा रहने वाली बांसुरी की अनोखी कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं लॉर्ड कृष्ण की कहानी, कृष्ण की बांसुरी की कहानी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने आठवां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता भगवान सूर्य ऋषि मुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वहां देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वहां यह सोच कर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिससे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि द्विची के ब्रज की अस्थि रखी हुई है। ऋषि द्विची वह ऋषि है जिन्होंने राक्षस एवं असुर के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपने ब्रज की हड्डियां देवताओं के दान दे दी थी। जिस ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे उस बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वह सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान ने बीच स्नेह देख कर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान के अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह श्री कृष्ण की बांसुरी की कहानी। ये भी सुनिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के सिद्धार्थ की कहानी, द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिद्धांत पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नारद के जाने जितन महापाप लगेगा, परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा महाभक्त इनके सोचने के बाद भगवान कृष्ण से मानते हैं। आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में ही रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। वहां सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरे में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। अभी सुनिए कर्मा बाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्ति कर्मा बाई की। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को
कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कमाबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुरुष का स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वहां सब घर बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कमाबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर में काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर कामों में जुट गए। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वहां बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तब क्यों नहीं खा रहे, और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत देर लगेगी, तब तक आपका भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जीत पर अड़ी नहीं कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वहां बालक कोई और नहीं स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक के सिद्धा गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़ा को भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। अब कल दूसरे वीडियो में अनूप चावल के एक दाने की श्री कृष्ण भगवान की कहानी बताएगी, जरूर वीडियो देखना। मोरल एवं प्रेरणादायक श्री कृष्ण स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।